Hello students, good morning to all. In this video lecture we are going to study about the water vascular system or ambulacral system of starfish. So इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम स्टारफिश या इकाइनोडर्मेटा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज एक्चुअली एज ए मॉडिफाइड सीलोम. ठीक है, सीलोम क्या होती है? एनी इंटरनल कोई भी इंटरनल बॉडी जो कि मीजोडर्म से लाइन रहती है और उसमें क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है बेसिकली इसका फंक्शन लोकोमोशन से रिलेटेड है. यानी जो इनका लोकोमोशन होता है इन एनिमल्स का, उसके लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू इसमें मूवमेंट होती है. इसके अलावा ये अटैचमेंट में हेल्प करता है और फूड कलेक्शन में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है. एम्बुलेक्रल सिस्टम जो होते हैं इट प्लेज वाइटल रोल इन द लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स. ऑल द कैनाल सिस्टम आर मस्कुलर लाइंड विद सीलेटेड एपिथीलियम. चूंकि मूवमेंट से रिलेटेड है तो ये हमें पता है कि मूवमेंट जो होती है वो मसल्स की वजह से होती है. तो ये जो सिस्टम है ये कैसा होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है. दूसरा, वाटर करंट की मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होते हैं, सीलेटेड एपिथीलियम्स प्रेजेंट रहती हैं. क्योंकि कहीं भी आपको वाटर करंट का अगर मेंटेन करना है तो क्या होगा, बीटिंग ऑफ सीलिया. तो सीलिया की बीटिंग की वजह से एक वाटर करंट मेंटेन करती है और इस वाटर करंट के हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से एनिमल्स मूव कर पाते हैं. सो दिस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन एस्टेरॉइड जिसको कि हम पढ़ रहे हैं स्टारफिश. इस पूरे सिस्टम में आपके बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड रहते हैं. इसमें मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड 5 रेडियल कैनाल. इसके अलावा टिडमेंस बॉडी, लिटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट, दीज आर द मेजर पोर्शंस. इसमें टिडमेंस बॉडी एंड पोलियन वेसाइकल्स, ये दो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपको स्टारफिश में देखने को नहीं मिलती है या बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता. तो इस तरह से स्ट्रक्चर में वेरिएशंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैड्रीपोराइट को. मैड्रीपोराइट जो है ये एक कैलकेरियस प्लेट होती है जो कि फिल्टरिंग में हेल्प करती है. आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसमें क्या होता है कि एक प्लेट है जिसमें कि बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपके फिल्टरिंग में हेल्प करती है. इसमें सीलिएटेड होती है हर एक जो पोर है, दैट इज नोन एज सीलिएटेड पोर. और ये सीलिएटेड पोर कैनाल में ओपन होता है. एंड पोर कैनाल जो है ये फिर फर्दर आपके कलेक्टिंग कैनाल और कनेक्टिंग कैनाल जो होती है अल्टीमेटली एम्पुला में ओपन होती है. तो विच पासिस इनवर्ट द सब्सटेंस टू द मेट्रीपोराइट. तो वाटर कैनाल की वजह से जो भी वाटर है वो आपके सीलिएटेड पोर में जाता है. सीलिएटेड पोर से पोर कैनाल, देन कलेक्टिंग कैनाल एंड देन एम्पुला. इस तरह से जो है वाटर का एक कोर्स मेंटेन किया जाता है. पोर पासेस इनवर्ट द सब्सटेंट मेट्रीपोराइट. लगभग 200 के करीब पोर एंड पोर कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. तो पोर कैनाल जो होती है ये कलेक्टिंग कैनाल में रहती हैं और कनेक्टिंग कैनाल फिर फर्दर एम्पुली और एम्पुली से मेट्रीपोराइट का कनेक्शन रहता है. ठीक है, तो इस तरह से कि ये जो सिस्टम की शुरुआत है आप मेट्रीपोराइट से करते हैं. एक सी ब्लैक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं. इन पोर की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है. पूरा का पूरा चैनल कैसा आपका, सीलिएटेड एपिथीलियम से कनेक्टेड है. ये सीलिएटेड एपिथीलियम्स क्या करती हैं, वाटर करंट को मेंटेन रखती हैं जिसकी वजह से एक वाटर करंट मेंटेन रहती है पूरा एनिमल में. वाटर की वजह से इसमें लोकोमोशन का प्रोसेस होता है. इसके बाद पढ़ते हैं हम स्टोन कैनाल. स्टोन कैनाल जो है ये एस शेप की होती है और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो स्टोन कैनाल विद एक्सियल ग्लैंड इज नोन एज एक्सियल एंड एक्सियल साइनस इज नोन एज एक्सियल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आप एस शेप्ड इसमें सिलेंड्रिकल मेड्रीपोराइट और स्टोन कैनाल प्रेजेंट रहती हैं. फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टोन कैनाल प्रोजेक्ट रिज विच बाइफर्केट इनटू द टू लैमेलीज एंड लैमेली बिकम स्पायरली रोल्ड टू ऑक्यूपाई अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द ल्यूमिनिन ऑफ द स्टोन कैनाल. ठीक है, कुछ जो स्टारफिश की स्पीशीज होती हैं उसमें स्टोन कैनाल जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. स्टोन कैनाल जो होती है ये एक पंप की तरह वर्क करती हैं जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन ऑफ वाटर बना रहता है. देखिए, कोई भी शेप अगर कर्व्ड है तो उसका क्या रीज़न रहता है, कर्व्ड होने की वजह से अगर कोई भी डेब्रिस बॉडी में एंटर कर गया किसी वजह से मेट्रीपोराइट के थ्रू तो उसको वहीं पर रिटेन किया जा सकता है. मोस्ट ऑफ द पोर कैनाल फॉर्म द मेट्रीपोराइट ओपन टू स्टोन कैनाल एंड रेस्ट ओपन इन टू द एक्सियल साइनस. सो स्टोन कैनाल अलॉन्ग विद एक्सियल ऑर्गन इज इनक्लोज इन द सिलोमिक सैक द एक्सियल साइनस. और इन तीनों को हम मिला के क्या कहते हैं, एक्सियल कॉम्प्लेक्स. इसके बाद आता है रिंग कैनाल. ठीक है, स्टोन कैनाल जो होती है ये आपके रिंग कैनाल में ओपन होती है. अच्छा, मेड्रीपोराइट जो है ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट रहता है. मेड्रीपोराइट ये हमें पता है कि 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं स्टारफिश में. तो हर एक आर्म के एंगल पे
ठीक है, किसी भी आर्म, दो आर्म्स के एंगल पे मैड्रिपोराइट प्रेजेंट रहता है। तो ये जो दो आर्म्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं बाइवियम, और जो बाकी की आर्म्स बचती हैं उसे हम कहते हैं ट्राइवियम। तो रिंग कैनाल जो होती है, स्टोन कैनाल, ओपन बिलो इनटू द कंसिडरेबल वाइट वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि ईसोफेगस के चारों तरफ होती है, और इसके एंगल्स से जो होती हैं एंगल्स ऑफ द पेंटागन लाइंग इन द रेडियल पोजिशन। इसको जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तब मैं इसको क्लियरली आपको बताऊंगी। तो रिंग कैनाल में आपके स्टोन कैनाल, तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर है उससे आपके स्टोन कैनाल कनेक्टेड है एस शेप, और ये स्टोन कैनाल अल्टीमेटली मेडिपोराइट से ज्वाइंट रहती है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है दिस इज नोन एज पोलियन वेसाइकल। पोलियन वेसाइकल की जो स्ट्रक्चर है ये आपके हर एक रेडियल आर्म्स, जो पेंटागन आर्म थी, हर एक आर्म में दो पोलियन वेसाइकल प्रेजेंट रहते हैं। तो इन टोटल 10 पोलियन वेसाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनके नंबर में वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एस्टेरॉयडी जो स्टारफिश हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे पोलियन वेसाइकल टोटली एब्सेंट होते हैं, कुछ स्पीशीज में टोटली एब्सेंट होते हैं, इसके अलावा किसी में इनमें 9 नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए पोलियन वेसाइकल्स जो होते हैं इनमें इनके नंबर्स में आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है। पोलियन वेसाइकल जो होते हैं एक एक्सपेंशन चैम्बर की तरफ वर्क करता है जिसमें कि वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट जो है ये दो आर्म्स के बीच में प्रेजेंट है, ये जिन दो आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम बाइवियम कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 3 आर्म्स है दीज आर नोन एज ट्राइवियम। इसके अलावा यहाँ पे आप पोलियन वेसाइकल्स नीचे की तरफ हैंगिंग होते हैं इसलिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, और स्टोन कैनाल नजर आ रही है एस शेप में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दिस इज नोन एज टिडमेंस बॉडी, इससे हम रेजिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। हर एक आर्म्स में दो टिडमेंस बॉडी प्रेजेंट होती है, या हम कहें कि पोलियन वेसाइकल से अटैच रहती हैं। तो हर एक आर्म में दो पोलियन वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसी तरह से हर एक आर्म में दो टिडमेंस बॉडी प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन जहाँ पे स्टोन कैनाल रिंग कैनाल से अटैच रहती है वहाँ पे सिर्फ एक पोलियन वेसाइकल प्रेजेंट रहता है, इसलिए सिर्फ एक ही टिडमेंस बॉडी प्रेजेंट रहती है। लेकिन पोलियन वेसाइकल और टिडमेंस बॉडी ये दोनों ही स्टारफिश में एब्सेंट रहते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्कवर हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि ये फिल्टरिंग में हेल्प करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक ये फिल्टरिंग एपरेटस की तरह वर्क करता है। इसके बाद आते हैं रेडियल कैनाल्स। तो हर एक रिंग कैनाल से हर एक आर्म में, 5 आर्म्स होती हैं, तो हर एक आर्म में एक कैनाल निकलती है, रेडियली अरेंज रहती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे रेडियल कैनाल कहते हैं। द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल अलोंग द एम्बिलेकरल ग्रूव ऑफ द आर्म। द रेडियल कैनाल रन अप टू द टिप ऑफ द आर्म एंड एंड एज अ ल्यूमन ऑफ द टर्मिनल टेंटिकल्स। तो हर एक आर्म के टिप तक ये प्रेजेंट रहती हैं रिंग कैनाल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिंग कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हैं, और ये पूरी जो लेंथ होती है आर्म की पूरी लेंथ में ये प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हर एक रेडियल आर्म से लिटरल कैनाल्स राइज हो रही हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम टॉपिक लिटरल कैनाल को ही पढ़ते हैं, लिटरल कैनाल या पोडियल कैनाल। तो इसमें किस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसमें हर एक रेडियल कैनाल से लिटरल कैनाल्स निकलती हैं। लिटरल कैनाल्स जो होती हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये दो तरह के प्रेजेंट होती हैं, दोनों अल्टरनेटिवली अरेंज रहती हैं। ठीक है, पहले एक लॉन्ग लिटरल कैनाल होती है, उसके बाद एक शॉर्ट लिटरल कैनाल होती है। तो लिटरल कैनाल्स ऑफ द टू सीरीज आर अल्टरनेटिवली लॉन्ग एंड शॉर्ट इन सच ए वे दैट ईच शॉर्ट कैनाल हैज अ लॉन्ग कैनाल ऑन इट्स आउटर साइड एंड इनर साइड बट ए शॉर्ट कैनाल ऑन इट्स अपोजिट साइड एंड वाइस वर्सा। तो आप इसका अरेंजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट जो रेडियल कैनाल्स, लिटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि हर एक लॉन्ग कैनाल के बाद में एक शॉर्ट कैनाल होती है, लेकिन उसके जो सामने वाली कैनाल होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग के सामने लॉन्ग ही आती है, लॉन्ग जो कैनाल होती है उसके सामने आपके शॉर्ट कैनाल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो लिटरल कैनाल ऑफ द टू सीरीज आर अल्टरनेटिवली लॉन्ग एंड शॉर्ट वे इन सच ए दैट ए शॉर्ट कैनाल हैज अ लॉन्ग कैनाल ऑन इट्स आउटर साइड एंड इनर साइड बट ए शॉर्ट कैनाल ऑन इट्स अपोजिट साइड एंड वाइस वर्सा। इस तरह का अरेंजमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। हर एक जो लिटरल कैनाल होती है इसके साथ में ट्यूब फिट जो होता है ये कनेक्टेड रहता है, और ट्यूब फिट से जहाँ से कनेक्शन होता है वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, और ये वॉल्व क्या करते हैं, जो बैकवर्ड फ्लो होता है वाटर का उसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द लिटरल कैनाल टू द एम्पुली एंड पोडियम और ट्यूब फिट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटरल कैनाल जो है इसके साथ में ट्यूब फिट अरेंज रहते हैं, और एक ट्यूब फिट के जो होते हैं तीन पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एम्पुली एंड एम्पुली पोडियम एंड सकर। ये तीन पोर्शन में एक जो ट्यूब फिट होता है ये प्रेजेंट होता है। देर आर टू रोज, टू डबल रोज ऑफ द ट्यूब फिट इन ईच आर्म, वन डबल रो इन रिलेशन टू ईच सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट कैनाल, एंड आफ्टर रीचिंग द एम्बुलेक्रल पोल डिवाइडेड एट राइट एंगल इन टू द टू ब्रांचेज। तो हर एक एम्पुली जो है ये मस्क्यूलर राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एट द एंटीरियर साइड ऑफ पोडिया एंड प्रोजेक्टिंग इन टू द सीलोम। पोडियम जो होता है मिडिल पोडियम एक्सटेंडेड थ्रू द ग्रूव, सकर सकर प्रेजेंट होता है, एक कप लाइक या सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सकर होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। वॉल ऑफ द ट्यूब फिट पजल्स स्ट्रॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये हमने पहले देखा था कि पूरा जो सिस्टम है इसमें कैसे होती है, मसल्स जो होती हैं ये जो वॉल होती है ये कैसे होती है, मस्क्यूलर होती है। इसके अलावा सीलिएटेड एपिथीलियम इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये पूरा आपने सिस्टम को स्टडी किया। इसके बाद में हम देखते हैं इसके फंक्शंस। तो वाटर वेस्क्युलर सिस्टम जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज यूज मेनली फॉर द लोकोमोशन बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म। इनर वॉल ऑफ द वाटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड विद सीलिया। द बीचिंग ऑफ सीलिया कॉज द सी वाटर टू एंटर थ्रू द मेड्रिपोराइट एंड फाइनली सी वाटर रीचेज टू द ट्यूब फिट एंड देयर एम्पुली। ठीक है, तो हमने पूरा वाटर का कोर्स देखा, एम्पुली से एम्पुली, देन पोर कैनाल, देन एम्पुला, देन स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल, देन वाटर लीड्स टू द रेडियल कैनाल, देन लिटरल कैनाल एंड देन ट्यूब फिट। ट्यूब फिट में एम्पुला में ये जैसे ही जाते हैं, एम्पुला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे वॉल्व की वजह से, वॉल्व जो है जंक्शन पे जो प्रेजेंट होता है इसकी वजह से वाटर की बैकवर्ड जो फ्लोइंग है उसको रोका जाता है एंड द वाटर इज फोर्स्ड इनटू द पोडिया। एम्पुली से कहाँ पे जाएंगे, ये पोडिया जाएंगे एंड पोडिया आर इलोंगेटेड एंड प्रोटेक्टेड आउट थ्रू द एम्बुलेक्रल ग्रूव। इसके बाहर एम्बुलेक्रल ग्रूव है, इसकी वजह से इन्हें वापस से प्रोटेक्ट किया जाता है। देन द सकर्स आर अप्लाइड टू द सबस्टेटम। तो सकर्स जो है सबस्टेटम से अटैच करने में इसको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इनमें कॉन्ट्रेक्शन और जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से यहाँ पे लोकोमोशन आप देख सकते हैं। द ट्यूब फिट नाउ कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, द वाटर फ्रॉम द ट्यूब फिट इज पुश्ड इनटू द एम्पुला, हेंस द ट्यूब फिट शॉर्टन। द सकर्स आर रिलीज्ड, देन एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट, द होल प्रोसेस इज रिपीटेड। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है और अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। रॉक सबस्ट्रेट है उससे अटैचमेंट में, वही हाइड्रोलिक प्रेशर उसकी वजह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम को इसका मेन फंक्शन में इसको हम रखते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हमें हम इसको स्टडी करते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको पूरा इसके फंक्शन, इसके सारी स्ट्रक्चर्स को मेंशन करना होता है विद डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम, और इसके फंक्शंस को हमें मेंशन करना होता है। थैंक यू।